बाबा। हाँ जी, वैष्णवी का निश्चित रूप है परमानेंट आना स्वर्गीय संगठन में 2012 में है कि 2018 में है, क्योंकि 2018 में स्वर्गीय संगठन होगा। तो विष्णु देवता कहाँ का है, नई दुनिया का है, पुरानी दुनिया का है या संगम का है? है नई दुनिया का है, नई दुनिया 12 में तो नहीं आएगी। बाबा बोला है सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है, तो क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा ब्राह्मण बनेगी क्या? ब्रह्मा की औलाद सारी सच्ची नहीं है? हाँ, किस कैटेगरी के ब्राह्मण हैं ये अलग बात है। कोई तो नास्तिक ब्राह्मण भी होंगे, और माउंट आबू जहाँ साकार में परमधाम बनेगा वहाँ ये 4.5 लाख आत्माएं एक एक करके पहुँचेंगी कि छोटे छोटे ग्रुप में संगठित होकर पहुँचेंगी? परमधाम से नंबरवार ग्रुप वाइज आते हैं या इकट्ठे आ जाते हैं? आते भी नंबरवार हैं और जाते भी नंबरवार हैं। जिस नंबर से जावेंगे उसी नंबर से आवेंगे। दो करोड़ पहले आवेंगे वो सतयुग के वासी हैं, फिर 8 करोड़ बाद में आवेंगे वो त्रेता के वासी हैं, द्वापर में और धर्म आ जाते हैं। मुख्य है इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बड़े बड़े धर्म संप्रदाय हैं, तो उनका भी तो ग्रुप है ना, अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे आते रहते हैं और अंत तक आते रहेंगे। हर धर्म की आत्माएं अंत तक आवेंगी, अभी भी आती रहती है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी अभी अभी आती रहती हैं। बाबा संस्कार शक्ति पावरफुल बनती है, तब संकल्प शक्ति बहुत गिरती है और निर्णय शक्ति कमजोर बनती है, तब क्या करना चाहिए बाबा? क्योंकि संस्कार शक्ति को संकल्प शक्ति के फोर्स में ले आती है। संस्कारों का परिवर्तन तभी ही होगा जब प्योरिटी का बोलबाला होगा, इसलिए बोला विजयमाला का आह्वान करो तो संस्कार परिवर्तन शक्ति काम करेगी। मन संकल्प करता है, बुद्धि फैसला करती है, निर्णय देती है, लेकिन संकल्प करने और फैसला देने से ही थोड़े ही हो जाएगा। अच्छे से अच्छे संकल्प करते रहो, फैसला मिल गया कि ये अच्छा संकल्प है, ये खराब संकल्प है, तो सिर्फ संकल्प करने मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं, हमें मालूम है कि 63 जन्म के कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे संकल्पों की रील घूमती रहती है। बुद्धि फैसला भी कर लेती है ये अच्छा है ये बुरा है, ये श्रीमत है ये श्रीमत के बरखिलाफ है, फिर भी क्या कहते हैं, चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, इसे क्या कहेंगे? कौन अड़चन डालता है? संस्कार शक्ति।
जन्म जन्मांतर की जो संस्कार पड़े हुए हैं चोरी करने के, वो बर्बाद चोरी करा देते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं दान करने के, तो न चाहते हुए भी दान कर ही लेता है। अच्छे कर्मों के संस्कार हैं तो अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाती है आत्मा। बाकी ऐसे नहीं है कि निर्णय शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। हाँ, निर्णय शक्ति से तो फैसला देती है, ये राइट है ये रंग है। हाँ, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति, और निर्णय करने के लिए ये चाहिए परख शक्ति। तो जब परख लिया, फैसला कर लिया कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। श्रेष्ठ कौन होता है, भ्रष्ट कौन होता है, भ्रष्ट संकल्प करने वाला कौन है, श्रेष्ठ संकल्प करने वाला कौन है, भ्रष्ट वाचा चलाने वाला कौन है, श्रेष्ठ वाचा चलाने वाला कौन है, भ्रष्ट कर्म करने वाले कौन है, श्रेष्ठ कर्म करने वाले कौन है। ये बुद्धि फैसला कर ले, फैसला करने के बाद फिर क्या करना पड़े है, प्रतिज्ञा करनी पड़े, हमें किसका सहयोग देना है, श्रेष्ठ का सहयोग देना है। श्रेष्ठ बल भ्रष्ट के कंट्रोल में आ गया हो, क्या कहते हैं, रावण की पाती से देवताएं बने हुए थे, देवात्माएं भी भ्रष्ट के कंट्रोल में आ जाती है। जैसे बाबा ने बोला विजयमाला का आवाहन करो, तो विजयमाला बंधन में है या छूटेली है, सारी से चात्माएं बंधन में है। तो संकल्प शक्ति दृढ़ चाहिए, क्या दृढ़ता चाहिए, किसका सहयोग देना है, हैं? भल बंधन में है, जो बंधन वाला है वो ऊंचा उड़ नहीं सकता है, फिर भी सहयोग किसका देना है, हैं? बंधन वाली श्रेष्ठ आत्माओं को ही सहयोग देना है, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप आया हुआ है। श्रेष्ठ आत्माएं पवित्र हैं, परंतु बाप क्या है, सिर्फ पवित्र नहीं है, एवर प्योर है। वो एवर प्योर बाप का हमको सहयोग प्राप्त है। तो जिसका सहयोग प्राप्त है उससे सहयोग लेकर के क्या सहयोग लिया, राइट रंग का सहयोग लिया, शक्ति मिली ना, कौन सी शक्ति मिली, परख शक्ति मिली, निर्णय शक्ति मिली। बाप सर्व शक्तिवान है तो वो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को यूज करना है श्रेष्ठ की रक्षा के लिए, तब संसार परिवर्तन होंगे। नहीं तो संसार परिवर्तन होने वाले नहीं है। तीन ही शक्तियां हैं, तीन ही देवताएं हैं, ब्रह्मा है मन संकल्प शक्ति, शंकर है निर्णय शक्ति परख शक्ति, और विष्णु है संस्कार शक्ति। संस्कार परिवर्तन हुए कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है,
तीनों का सहयोग चाहिए, तब कल्याण होगा। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। श्रेष्ठ संकल्प करने से भी कल्याण नहीं, निर्णय कर लेने परख लेने से भी कल्याण नहीं, तीनों का समन्वय चाहिए। अभी तक यज्ञ में क्या हुआ, कितनी भाग दौड़ हो गई, कितनी वाचा चल गई, कितने प्रोग्राम हो गए, दृष्टि में परिवर्तन आया, दृष्टि और ही चंचल होती जा रही, मन को कंट्रोल किया, मन के वाइब्रेशन कंट्रोल हुए और ही कंट्रोल से बाहर हो गए। जितना जितना हम कंट्रोल करना चाहते हैं उतना कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बेसिक में थे तो अमृत वेला और ही अच्छा होता था, बल बाप की पहचान नहीं थी तो भी अमृत वेला में ये नहीं कहते थे कि उठ ही नहीं पाते। और अभी एडवांस में बाप की पहचान भी है, फिर अमृत वेला क्यों नहीं होता, कोई अमृत वेले के पुरुषार्थ से पूरा संतुष्ट क्यों नहीं है। क्योंकि रील में संस्कार सहयोगी नहीं है, बिगड़े हुए संस्कार हैं। शेष संस्कार शक्ति का आह्वान करना पड़े, मुख्य चीज फिर क्या हुई, संस्कार का परिवर्तन प्योरिटी के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया के सब काम प्योरिटी से होते हैं, संस्कारों का परिवर्तन भी पवित्रता से होगा। रुद्रमाला वाले कितना भी पुरुषार्थ करें प्योरिटी आती नहीं, क्यों नहीं आती, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार राजाओं के कैसे हैं, इम्प्योरिटी। कोई कहे राजा हैं तो 108 ही होते हैं, बाकी तो राज्य अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े साहूकार होते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास प्रजा होती है, भले 108 राजाएं होते हैं परंतु नियम क्या है, यथा राजा तथा प्रजा बन जाती। राजाएं विकारी होंगे, राजाओं के संस्कार भ्रष्ट होंगे तो प्रजा भी भ्रष्ट संस्कार वाली बन जाती है, तो फिर परिवर्तन कौन करेगा है? परिवर्तन के लिए पवित्र आत्माएं निमित्त बनना चाहिए, उनके ऊपर सारा कारोबार सौंपना पड़े, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार होगा। तो संस्कार परिवर्तन तो मुख्य परिवर्तन है। और कभी कभी याद ना करो तो भी याद करती रहती है, और कभी याद करो तो ज्यादा देर टिकती नहीं है। याद किसकी की, किसकी करना है, बाप की याद। बाप कितने हैं, दो, एक निराकारी बाप एक साकारी बाप। निराकारी बाप 63 जन्मों में नहीं होता, होता है नहीं होता, लेकिन उस निराकार के समान बाप समान की स्टेज को धारण करने वाला तो होता है या नहीं, होता है।
तो उस बाप के साथ जिसने साफ किया है 63 जन्मों में, या जब जब साफ किया है, तो रील घूमेगी याद नहीं आएगा है? स्वतः ही याद आएगा या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? स्वतः ही याद आएगा। वो साफ की रील घूमेगी और न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक याद आ जाती। मानस सरोवर है हाँ, तो उसका पानी जो पारदर्शक है हाँ, उसकी गहराई कितनी है, किलोमीटर है? मान सरोवर माने ज्ञान मान सरोवर, क्या क्या सरोवर, उसकी मान्यता का आधार क्या है? ज्ञान। वो तो स्थूल मान सरोवर है, उसमें जो पानी है वो ज्ञान का सूचक है। ज्ञान में कचरा भी मिला होता है तो पारदर्शक नहीं कहा जाता, और जब ज्ञान में कोई कचरा ना हो, कोई मिक्सरिटी ना हो, जैसा एवर प्योर सुप्रीम सोल सुनाता है वैसा ही सुनाया जाए। सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा जो वेदवाणी ब्राह्मणों के सामने रखी उसमें कोई त्रुटि है? है? उसमें कोई त्रुटि नहीं है, सिर्फ समझने और न समझने की बात है। तो समझाने के लिए नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? नंबर वार। समझाने वाले जितने ही मिक्सरिटी वाले होंगे उतना ही ज्ञान कचड़े वाला बन जाएगा। ये अपने अपने संकल्पों के ऊपर आधारित है। 63 जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों में जो कर्म किए हैं वो कर्म ज्ञान को प्रभावित कर देते हैं। जो वाचा बोली है झूठी सच्ची, वो वाचा हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और कर्म हमारे ज्ञान को प्रभावित कर देते हैं। हमारा वाइब्रेशन खराब हो जाता है, चाहते हुए भी हम बाबा के वो ही वाक्य नहीं बोल सकते जो बाबा ने बोले हैं, कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है। और दूध के घड़े भरे हुए में एक बूंद बिस्का मिल जाए तो सारा ही आज नहीं तो कल विष हो ही जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान मान सरोवर है, वो कितनी यादगार है, है? अरे ज्ञान के आधार पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कौन सी आत्मा है जिसको सबसे ज्यादा मान मिला हुआ है? प्रजापिता। उसकी गहराई ज्ञान की उतनी ही गहराई है जितनी सागर की गहराई है। फिर भी वो निर्मल ज्ञान जल इतना पारदर्शक है कि तल्ले तक दिखाई देता है। कहते हैं समुद्र की गहराई आज तक दुनिया में कोई नाप नहीं सका। सागर की गहराई को नहीं नाप सका तो वहां कैलाश पर्वत पर जाकर के इतनी ठंडी में कोई गहराई को नापेगा? असंभव। वहां से एक ही नदी है
बड़ी से बड़ी नदी है भारत की, जो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती रहती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। भक्ति मार्ग में उसका नाम दिया ब्रह्मपुत्री नदी। बाबा नाम क्या दिया? ब्रह्मपुत्र। वो नदी ऊंची स्टेज में बहती है, इसका मतलब क्या है? पहाड़ों पर ही बहती है, ऊपर ऊपर। क्या मतलब हुआ? ऊंची स्टेज में है, अपवित्रता की नीची स्टेज में नहीं आती है। अंत में तो सबको नीचे आना ही आना। जब हट्टी गऊ से आके मिलती है तो कहां जाती है? है तो नीचे आती है। कट करने वाली गौएं होती हैं, कोई तो सहज सहज दूध दे देती है, कोई गौएं ऐसी होती हैं बड़ी हट्टी होती है। जैसे बैल हट कर जाता है ना, बैल अड़ जाता है, अड़ियल बैल, ऐसे ही गौएं भी कोई कोई अड़ जाती हैं। उन्हें कितना भी मारो पीटो कुछ भी करो, वो सुख देने वाली नहीं है। तो हट्टी गऊ से जब मिलती है या हट्टी गऊ के नजदीक से गुजरती है, संग का रंग लगता है तो कहां आती है? तो नीचे आकर सागर में मिल जाती है। नीचे के आने की स्टेज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, परंतु नीचे आने का पार्ट तो बजाना है ना। माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। और माया जब प्रकृति से मेल कर ले फिर तो बड़े बड़े महारथियों को नहीं छोड़ेगी। कितना भी ऊंचा पार्ट बजाने वाले हो उनको भी धराशायी कर देती। तो मानसरोवर जहां से ब्रह्मपुत्रा जैसी नदी निकलती है, जिस नदी में यमुना भी समा जाती है, गंगा भी समा जाती है, सरस्वती भी समा जाती है, सारी ऊंची ऊंची नदियां उस ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाती है। उद्धार कब होता है? उद्धार तब होता है जब सागर से मेल होता है। इसलिए गायन है और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। इस संगम युग में ही एक ही बार ज्ञान सागर बाप से मिलना होता है। बाबा बोलते हैं और माँ का माँ किसमें रह सके? बाबा बाप दो हैं बेहद के या एक है? हैं दो हैं, एक है मनुष्यों का पिता और एक है आत्माओं का पिता। इसीलिए दो हैं शब्द अक्षर बाप और बाप और माँ तो एक ही है, वो तो साकार ही साकार है। जो बा है, जो डबल बा है, उसमें एक बा ऐसा है जो सदैव निराकार है और एक ऐसा है जो पहले साकार फिर बाद में सदैव निराकार। तो दोनों मिलकर के बाबा हैं। हम संपन्न को याद करते हैं या अधूरे को याद करते हैं? हम तो संपन्न को याद करते हैं। जो संपन्न बाबा है उसमें चंद्रमा है या नहीं है? है।
संपन्न में, उसमें भी अधूरा चंद्रमा रहेगा कर्माथे पर, है आधा रहेगा, अभी है लेकिन संपन्न बनेगा तो चंद्रमा तो अलग हो जाएगा ना, या तो बाप समान बन जाए, चंद्रमा भी संपूर्ण हो जाएगा या अधूरा रहेगा। माँ शब्द में प्यार क्यों इतना? माँ में प्यार नहीं है, माँ शब्द में प्यार क्यों? माँ में ही तो सारा प्यार भरा हुआ है। प्यार शरीर के साथ होता है या बिंदी से होता है? प्यार करेंगे तो आंखों से कितने प्यार से देखेंगे, हैं? आंख देखने से ही पता चल जाएगा हाँ इसकी प्यारी आंख है, हमको प्यार करती है ये आंख, पहचान लेंगे ना। कोई भी इंद्रिया हो, इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है, तो शरीर के साथ ही प्यार होता है प्रत्यक्ष होता है बाबा, लेकिन लेकिन जो माँ है वो साकार है या निराकार है? इसलिए माँ, क्योंकि उसमें प्यार ही प्यार समाया हुआ है, और वो प्यार मारने वाला भी हो सकता है। प्यार में नियम भी होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए, बिना नियम कानून के प्यार वो नीचे ले जाएगा। और ब्रह्मा ने कैसा प्यार किया है? ब्रह्मा कितना मीठा बना, कितना प्यारा बना, जो कहावत बना दी, मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में पेर आ जाता है, इतना मीठा बना, इतना मीठा बना कि खुद का ही नाश हो गया। जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति जीवन में नहीं हुई, है? उन्होंने जिसमें गन्ने को निचोड़ा जाता है मशीन, हाँ। और बाबा, बाबा पूरी में बोलते हैं झूठी किसान सच्ची किसान, झूठी किसान में क्या आते हैं? झूठी किसान ब्राह्मणों की दुनिया में गायन, गीत माने गायन, कौन सी दो माताएं विशेष हैं जिनका गायन है? 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 जगदम्बा और गौरी, या तो बहुत काली है उसका मान है गायन है, या तो बहुत गोरी है उसका गायन है, दो का विशेष गायन है, तो दो ही गीताएं हैं। काली किसने बनाई और गोरी किसने बनाई? सीधी सी बात, काली बनाने वाला कौन और गोरी बनाने वाला कौन? अरे हाँ, झूठी गीता माने काली, कलमोहा कहते हैं ना, तो काला मुंह किसने किया और गोरा मुंह किसने किया? अरे शिव की बनाई हुई गीता गौरी कही जाती है, सच्ची गीता है, उससे स्वर्ग बनता है एक सेकंड में, और मनुष्यों की बनाई हुई गीता उससे नरक बनता है, चाहे बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो, चाहे वो ब्राह्मण मनुष्य हो और चाहे वो दूसरी कास्ट के मनुष्य हो, दूसरे दूसरे कुल के हो, वो सब गीता को पोल्यूट करते हैं, वो है झूठी गीता। और भगवान सेवा करके गीता को सच्ची गीता बनाते हैं, जब सच्ची गीता बनती है तो झूठी गीता भी सच्ची हो जाती है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। दोनों का मेल है, एक है महाज्ञानी
एक है महापवित्र, उसमें प्योरिटी का आधार है, उसमें ज्ञान का आधार है, दोनों के मेल से फिर स्वर्ग बन जाता है। बाबा है। काले तुलसी को इतनी लौकिक से गुणकार क्यों समझते हैं? काली तुलसी थोड़े समय के लिए भगवान के सहयोग में कार्य करती है और थोड़े समय में ही परिवर्तन का चक्का घूम जाता है। क्या कोई दवाई हो, एक डोज लिया और एक डोज में ही बीमारी खत्म होना शुरू हो गई, और कोई दवाई रोज लेते रहो बीमारी धीरे धीरे खत्म होती रहेगी, बंद कर दो फिर बीमारी शुरू। तो एक होती है काली तुलसी, बहुत तीखी होती है, और एक होती है हरी तुलसी, उतनी तीखी नहीं होती है, वो थोड़े समय में ही बहुत काम कर दिखाती है। माने यज्ञ के आदि में एक मेहतरानी निकली, सत्संग में आती थी और आते ही बाबा से लिपट जाती थी। स्वीपर लेडीज इतना समर्पण भाव था, माना लोकलाज की परवाह नहीं थी। नहीं तो जिनमें देवान होता है बल भगवान आ जाए, भगवान को पहचान भी लेंगे जान भी लेंगे लेकिन फिर कहाँ रुक जाएंगे, ठिठक जाएंगे, लोक लाज में ठिठक जाते हैं। उतना जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते हैं इस झूठी दुनिया की लोक लाज, भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज का क्या ध्यान रखना, ये दुनिया की लोकलाज झूठी लोकलाज तो भस्म हो जाएगी, दुनिया ही भस्म हो जाएगी तो लोकलाज भी भस्म हो जाएगी। जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोकलाज का ध्यान ही नहीं रखते। तो समर्पण भाव भल थोड़े समय का है, इसका काली तुलसी का, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जिसने आदि किया उसने अंत किया, आदि तो अंत, नई दुनिया स्थापन होगी तो कौन सी नदी के किनारे होगी, यमुना के कंठे पर होगी। गंगा का नाम फिर भी नहीं। वैसे सीता को असली और नकली बोलते, तो नकली वाली कौन सी? जो मनुष्य बनाई, ये ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में जो गीता कंट्रोल कर रही थी, गीता माता, वो मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई थी। उस गीता को मान देने वालों में अव्वल नंबर कौन था? अरे अव्वल नंबर मनुष्य कौन था? हैं? जोर से नहीं बोलते, ब्रह्मा बाबा पहला पत्ता है मनुष्यों में, है? उसने बहुत मान दिया, तो झूठी गीता बनी, डुप्लीकेट स्वर्ग बनाया या सच्चा स्वर्ग बनाया? सन 47 में कौन सा स्वर्ग बना? डुप्लीकेट स्वर्ग बना। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। प्रवेश करके वाणी चला रहे, सब चला रहे। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे,
रात वेले 3-4 पेज बैठ करके लिखते थे, शिव बाप माता में प्रवेश करके लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, मुरली नहीं चलाते थे। बाद में माता चली गई, जब दोनों माताएं ही चली गई तो कौन रह गया? ब्रह्मा बाबा रह गए। तो उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमानों में खून की नदियां बहने लगी, और जो कन्याएं माताएं सिंध हैदराबाद में 7-7 तालों में बंद थी, बंधन में आ गई थी। जब ओम मंडली में झगड़ा हुआ एंटी ओम मंडली के साथ, तो बंधन में आएंगी ना, तो बंधन में आई हुई कन्या माताओं को वो खून खराबे के बीच में मौका मिल गया, वो निकल के भागी। तो कराची में आकर के जहाँ बाबा आकर के बैठ गए थे, उसे लड़ाई झगड़े से डरते एकांत में बात करने लगे, वहां आकर के इकट्ठी हो गई। ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ेगा भी नहीं है, 300-400 आकर के इकट्ठी हो गई तो बाबा को नशा चढ़िए। उसी नशे के बीच में हिम्मतें बच्चे तो मदद बाप बन गए, मुरली चलने लग पड़ी। कराची से मुरली चलती चली आई है, ऐसे नहीं कहा सिंध हैदराबाद से चलती चली आई है। इक्यावन नहीं कहेंगे, 51 तो ट्रांसफर हुए, 50-51 में 49-50-51 में ट्रांसफर का काम हुआ कराची से लेकर बम्बई और बम्बई से माउंट आबू तक। वास्तव में मुरली तो 1947 से ही चलना शुरू हो गई, कराची से ही मुरली चलती चली आई है। अगर वहां मुरली नहीं चली होती ब्रह्मा के द्वारा, तो पहले की जो पुरानी वाणियां थी प्यू की चलाई हुई, उनको लोहे के बक्से में बंद करके अंदर डालने की क्या जरूरत थी? वो वाणी अलग है, और ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली वो अलग। ये माँ की वाणी थी और वो बाप की वाणी थी। तो अभी नहीं आती। अरे वो वहीं दफना दी गई। वाणी जिसके द्वारा चलाई गई वो पीऊ खुद ही उसका लाभ का भी पता नहीं चला। वही पड़ी है बाबा। है? किलो निकली नहीं थी। आप निकालो जाते। वाणी को पीऊ की वाणी को मैं पीऊ माने बाप। हाँ। भगवान के बच्चे होते हो ऐसा क्यों करते बाबा? ऐसा भगवान की बोली बात का दफना है। जो भगवान के बच्चे होते हैं वो इसी जन्म में प्राप्ति करते हैं कि मरने के बाद प्राप्ति करते हैं? है? तो भगवान के बच्चे आप हैं या जो मरते चले जा रहे हैं, मरने की इच्छा कर रहे हैं वो हैं? बोले दीदी आप बताइए, आप बात का जवाब दीजिए पहले। बोले दीदी आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि वो भगवान के बच्चे हैं जो मरने वाले हैं, या जो जिंदा रहते रहते भगवान बाप से सुख का वर्षा ले लेते हैं, सुख की दुनिया में चले जाते हैं, वो भगवान के बच्चे हैं? ये भगवान के बच्चे। हम भगवान के बच्चे और वो भगवान के बच्चे या शैतान के बच्चे? मुरली में बोला है कि सबसे बड़ा बेसमझ जानवर है ये शंकराचार्य है। कैसे बाबा? क्यों? श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज, ये टाइटल किसका है? ये टाइटल शिव बाबा का है ना,
और रखाया किसने? तो ऐसा बेसमझ जानवर दुनिया में कोई मिलेगा? जानवर उसे कहते हैं जो जान ले ले। तो सबकी जान सकते में किसने डाली? सारी दुनिया की जान खतरे में आ गई। उसका निमित्त कौन बना? शंकराचार्य। ढेर के ढेर शंकराचार्य या पहला शंकराचार्य? है पहला शंकराचार्य। एक भाई घर में आया बाबा बेसिक का, हाँ। और ओम शांति बोला तो खड़ा था, तो आओ भाई, भाई जी बैठो, बोली तो बैठा। तो फिर माता जी उधर आके नहीं बोले, आप बोली एक खाली बार तो आते जाओ बोले। तो मैंने बोली, अब बोली तो उससे भी ऊंचा ज्ञान मिले तो वहाँ आने की इच्छा नहीं होती बोले। तो आप समझ रहे बोले ऊंचा है, जल्दी ऊंचा नहीं है बोले, देखो बोले तुम पीछे रह जाओगे बोले, दिल्ली स्वर्ग में आओगे बोले। मैंने बोले कैसे दिल्ली स्वर्ग में आओगे बोली? बाबा ने क्या बोला बोले, मुरली की तरफ ध्यान दो बोले। आज ही तो अंत ले जाने वाला है क्या बोले, दिखाओ बोलता है कौन सा है बोले। तो ऐसे ये दो पॉइंट मैंने बताई तो बाबा तो वो भाग ही गया। नहीं नहीं बाबा बोले मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बोले, और गाड़ी उठाया मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बोले। उसको सच्ची लगने लगी बात, तो फिर वो ठहरा ही गाड़ी लेके भाग ही गया, एकदम से उठ के खड़ा हो। अरे उसको तो बात छोड़ो, वो तो जिज्ञासु है उन ब्रह्मा कुमारियों का। उन ब्रह्मा कुमारियों की जो हेड समझी जाती है, जिसमें ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, वो दिल्ली में जब पांडवन की इंचार्ज बन के बैठी हुई थी, उस समय बड़ी माँ और उनकी लौकिक मम्मी पुष्पा माता दोनों मिल करके आधा घंटा उनसे मांग करके लेन देन करने पहुंचे कि एडवांस की क्या बात है और बेसिक की क्या बात है, हम आपके सामने रखना चाहते हैं, हमें थोड़ा टाइम तो दो। तो और दादियों के मुकाबले तो ये दादी सच्ची ही, तो उन्होंने आधा घंटे का टाइम दिया। और इन्होंने जहाँ शंकर के चार से आठ पॉइंट सुनाए त्रिमूर्ति के, तो मेरा तो माथा भारी हो गया, मैं बाद में आऊंगी, चली गई। तो जब हेड का ये हाल है तो बच्चों का फॉलोअर्स का क्या हाल होगा? वो पक्के फॉलोअर्स हैं, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और मुरली ने बोला कि शिव जयंती का अर्थ मानते हैं वो बाप का स्टाम्प बनाती और बाप का स्टाम्प बनाती। शिव जयंती का अर्थ समझते तो बाप का स्टाम्प बनाते और पास करके भी दिखाते, सबसे उससे उस बाप का स्टाम्प अभी तक बना नहीं है। तो कैसा स्टाम्प है बाबा जी, बना नहीं है? मैंने तुम्हें उसी तरह से बाप पता ही नहीं है, तो मैं ऊंची से ऊंच बाप का पता नहीं होगा इसलिए तुम पूछ रही हो। स्टाम्प तो बाद में, स्टाम्प माने चेहरा, चेहरा बनाते हैं ना, तो नोट पे छाप देते हैं गांधी जी का चेहरा छाप देते हैं ना। तो ऐसे ही जो बाप है ओरिजिनल में आत्माओं का, मनुष्यों का, उस बाप का चेहरा छापे शिव जयंती पर, तो पूछने वाला जानता है कि नहीं जानता है? जानते हैं लेकिन पूछते किससे हैं? हम जानते हैं, हम जानकार हैं, और जिससे पूछते हैं वो बेसमझ है। त्रिमूर्ति में कितने मूर्तियां हैं? तीन। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप एक होगा या तीन होंगे? तीन तो नहीं हो सकते, तीन का चित्र थोड़े ही। शिव जयंती कही जाती है तो तीन शिव नहीं है, तीनों कल्याणकारी नहीं है, तीन कल्याणकारी साबित हो ही नहीं सकते, एक ही कल्याणकारी है और बाकी सब
होगा आपका कल्याणकारी। और बाबा है ये शिवाजी औरंगजेब ने शिवाजी के बच्चे की आंख फोड़ी, तो माया भी आखिर चलकर के बच्चों आपने शिवाजी के बच्चों की आंख फोड़ी गई ऐसा कहा गया है। हाँ। माया का पाठ करिए मतलब औरंगजेब का पाठ करिए तो मिल जाएगा। और रंग भरे हुए हैं जेब में जिसकी, शिव बाबा का रंग नहीं भरा हुआ है वो है औरंगजेब। सबसे ज्यादा अत्याचारी राजा था या श्रेष्ठ कहेंगे, सबसे ज्यादा अत्याचारी राजा था जिसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया। तो भारतीय सभ्यता के अनुसार भारतीय शास्त्रों के अनुसार कंस हुआ या उसे कृष्ण कहें कंस कहें, जो भारत के शास्त्रों में कंस का पार्ट, सो हिस्ट्री में औरंगजेब का पार्ट। माया वाली आत्मा नारायण नहीं बनती है क्या? सत्यगु में नारायण बनती है ना, राजा तो बनती है। जो सत्यगु में राजा बनेंगे, त्रेता में राजा बनेंगे, वो द्वापर कलियुग में नहीं बनेंगे, वहां भी राजा बनेंगे। हाँ, उच्च कोटि के राजा बनेंगे या निकृष्ट कोटि के राजा बनेंगे वो दूसरी बात है। और बाबा अर्थ माने जमीन धरणी, अक्वेक माने हिलना, माने धरणी जब हिलती है तो उसे अक्वेक कहा जाता है। धरणी ज्ञान की भाषा में धारणा शक्ति को कहा जाता है। धारणा शक्ति पुरुषों में होती है, पवित्रता की धारणा है मुख्य धारणा। मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता की। वो मुख्य धारणा कन्याओं माताओं रूपी धरणी में वो धारणा ज्यादा हो सकती है या पुरुषों में हो सकती है? कन्याओं माताओं में वो धारणा हो सकती है। वो चाहे अपनी पर उतर आए तो उनको कोई भी अपवित्र नहीं बना सकता, इसलिए वो धरणी है, कन्याओं माताओं रूपी धरणी। उनमें अव्वल नंबर भी कोई एक होगी, जो अव्वल नंबर एक है वो है जगदम्बा। सारी माताओं की भी मुखिया, सारे जगत की माताओं की अम्बा, उसमें ऐसी धारणा शक्ति है, इतनी ताकतवर है कि कीचड़ में डुबो दो, ऐसा फूल है कि गाढ़े गाढ़े कीचड़ में डुबो दो और फिर ऊपर निकालो, एक भी पंखुड़ी टूटेगी नहीं और कीचड़ का एक भी बूंद उस पर ठहरेगा नहीं। ऐसी प्योरिटी की पावर वाली लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है पवित्र, ज्यादा ही पवित्र है, लेकिन ऐसी पवित्र नहीं है, ऐसा फूल नहीं है जो कीचड़ के बीच में रहे, खाना पीना सोना रहना अपवित्र गृहस्थ आश्रम में हो और फिर भी मन बुद्धि से एक बाप की ही बन करके रहे, बुद्धि को कोई हिला नहीं सके। लक्ष्मी को गुलाब का फूल कहेंगे या कमल का फूल कहेंगे? कमल के फूल हैं रुद्रमाला में, कोई काले कमल हैं, कोई लाल कमल हैं, रक्त कमल, कोई पीत कमल, कोई सफेद हैं, अलग अलग धर्मों के कमल फूल हैं।
पावरफुल फूल है, उनकी पंखुड़िया जल्दी टूटती नहीं है। और गुलाब कहाँ पलता है? कांटों में पलता है और खूब खुशबू मारता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना नाजुक है कि कीचड़ में तो उसकी सारी पंखुड़ियां डल जाएगी। उसको सदैव पवित्रता का शुद्ध वातावरण चाहिए। और ये संगम पर बाबा, ये देवी का ही ज्यादा ही चल रहा है, सब देवताओं से सभी देवताओं से देवी का ही माहौल लौकिक लोगों को ज्यादा चल रहा है। पहले होता है शिव की पूजा आप देवीचारी, फिर होती है देवताओं की पूजा देवियों के साथ, फिर होती है सिंगल पूजा, चाहे देवी की हो और चाहे हनुमान गणेश की हो। जो सिंगल पूजा है, सिंगल बनाने वाला कौन है? माया रावण, सीता को अकेला बनाए देता है। तो नियत खराब है या अच्छी है? है? खराब नियत है, इसलिए अकेला बनाए दिया। तो संगम युग में भी सदैव देवियों की पूजा नहीं होती है, जब गिरती कला हो जाती है तो देवियों की पूजा होती है। और सूर्य ग्रहण क्या है? वो तो स्थूल सूर्य है, स्थूल चंद्रमा है। अब जो एडवांस में आ गए हैं वो तो जान गए हैं ना कि धरती के सितारे कौन है, चैतन्य सितारे, धरती का चंद्रमा कौन है, धरती का सूर्य कौन है। ये बुद्धि में नहीं आया? आया ना, यहाँ ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है, नवग्रह भी हैं और छोटे बड़े सितारे भी हैं, पृथ्वी भी है। जो अभी माता ने पूछा, अर्थ के होता है अर्थ माने पृथ्वी, धरणी, धरणी हिल जाती है, धरणी हिलेगी तो धरणी पर आधार लेने वाले सब डमाडोल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी महल माड़िया अटारियां सब गिरने लग पड़ेंगी, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। कब? जब बड़े बड़े एटम बम फूटेंगे। बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो जो धरणी का पार्ट बजाने वाली जगदम्बा है, जो मनुष्यों के प्रभाव में आ गई है, रावण संप्रदाय के प्रभाव में आ गई है, वो परमात्मा को भूल चुकी है या पहचान चुकी है? है? भूल चुकी है। उसी के लिए खास मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। पूरी श्रद्धा पड़ गई। कृष्ण ही गीता का भगवान है। क्या बुद्धि में बैठ गया? कृष्ण ही गीता का भगवान। जैसे आज की माताएं हैं, पति से श्रद्धा हट जाती है और बड़े बच्चे के ऊपर श्रद्धा बैठ जाती है। पति कारण या कारण शरीर छोड़ गया तो बस बच्चे के ऊपर ही सारा मदार। भले सारी प्रॉपर्टी माँ की अपने नाम करा ले, माँ को घर में से बाहर भी निकालने के लिए मजबूर कर दे, तो भी बच्चा ही भगवान, पति परमेश्वर।
ऐसी स्थिति ब्राह्मणों की संघ में भी दुनिया के फाउंडेशन डालने वाली बनती है। जो जगदम्बा है परमात्मा को भूली हुई है, जब लास्ट में प्रत्यक्षता होगी अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, चारों तरफ से आवाज क्या आवेगी, बाप इस सृष्टि पर मौजूद है, आ गया है, तो बड़े से बड़ा बम्ब फूटेगा ना, ज्ञान का बम्ब फूटेगा ना। उस बड़े से बड़े ज्ञान के बम्ब का सबसे जास्ती असर किसके ऊपर होगा, है धरणी के ऊपर होगा। जैसे वो बड़े बड़े बम्ब बने रखे हैं, कुछ जमीन के अंदर हैं, कुछ समंदर के अंदर हैं, कुछ आकाश में तैर रहे हैं, वो बम्ब बड़े बड़े फूटेंगे तो धरणी के ऊपर असर पड़ेगा ना, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फूटेंगे, धरणी हिलेगी। ज्वालामुखी फूटता है तो धरणी हिलती है, तो वो तो जड़ धरणी है और ये चैतन्य धरणी है, चैतन्य धरणी हिल जाएगी। जो झूठे मनुष्यों ने झूठी मान्यताएं बरगलाए बरगलाए के बुद्धि में डाल रखी है भगवान की ग्लानी कर करके, वो सारी धारणाएं, वो तो ब्रह्मा की पहली कुमारी जगदम्बा, किसकी कुमारी है जगदम्बा, ब्रह्मा की बेटी, जो झूठी धारणाएं भरी हुई हैं, वो सब विस्फोट हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और मनुष्यों के ऊपर श्रद्धा हट जाएगी कि बैठ जाएगी, मनुष्यों के ऊपर श्रद्धा हट जाएगी, जोर से हिलेगी, सब तहस नहस हो जाएगा। बाबा क्यों बाबा सारे दुनिया का बाप है, फिर बच्चे इसे तो बिगड़ने क्यों देते हैं? बाप बिगड़ने देता है? नहीं नहीं सबका बाप तो है ना सबका, तो वो क्या द्वापर युग में आ जाए? आप बुलाते हैं द्वापर युग में? कंकणाकृति ग्रहण खंडग्रास का, ओ माता का जवाब नहीं हुआ अभी सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण का जवाब पूछा तो जो सूर्य है, चंद्रमा है, धरणी है, सितारे हैं, उनमें कुछ संबंध है, विशेष संबंध है। जो ज्ञान सूर्य है वो ज्यादा रोशनी वाला है, आग का गोला है, आग ही आग भरी पड़ी है, उस आग के गोले में, रोशनी के भंडार में परछाई किसी की पड़ेगी है? नहीं पड़ेगी। सूर्य के सामने जो आएगा, तो जो आएगा सामने उसकी परछाई अगले के ऊपर पड़ेगी। तो सूर्य के सामने जब पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी का परछाया जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्या? सूर्य का परछाया किसके ऊपर, किसके ऊपर पड़ा? धरणी के ऊपर, कन्याओं माताओं रूपी धरणी। और उसका परछाया पड़ा किसके ऊपर? चंद्रमा के। ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर जब कन्याओं माताओं रूपी धरणी का परछाया पड़ जाता है, उसकी छत्र छाया में आ जाता है, किसकी छत्र छाया में?
है कन्या और माताओं की छत्र छाया, नहीं तो ज्ञान चंद्रमा कृष्ण वाली आत्माओं को किसकी छत्र छाया में पलना चाहिए, है सूर्य की छत्र छाया में पलना चाहिए, लेकिन वो किसकी छत्र छाया में पलने लग पड़ता है, कन्या और माताओं की छत्र छाया में पलने लग पड़ता है। कन्या माताओं को बहुत प्यारा लगता है, कौन कृष्ण कन्हैया, मेरा भगवान, मेरा बच्चा, मेरा भगवान, मेरा पति परमेश्वर, बस वो जो प्रभाव पड़ा तो चंद्रमा वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा धरणी के प्रभाव में आने के कारण निस्तेज हो जाती है, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कन्याओं माताओं के प्रभाव में आने के कारण शक्ति क्षीण होगी या शक्ति बढ़ेगी, क्षीण हो जाती है, उसको कहते हैं ग्रहण अधिकारों का। आया समझ में? अब ऐसे ही सूर्य ग्रहण, सूर्य का रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है। क्या ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की रोशनी चंद्रमा रोक लेता है, कौन रोकता है, कृष्ण, कृष्ण वाली आत्मा उस ज्ञान सूर्य की रोशनी को रोकती है और उसका परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ता है। पृथ्वी के जिस हिस्से में परछाया पड़ता है वहां के रहने वाले अंधेरे में आ जाते हैं, खुद अज्ञान के अंधेरे में आ गए और कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। वास्तव में सूर्य को ग्रहण लगता है या नहीं लगता है? सूर्य कभी परछाई में नहीं आता, लेकिन मनुष्यों को ऐसा दिखाई पड़ता है, यही हाल अभी भी है। क्या मनुष्य आत्माएं जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं, वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं, चंद्रमा का परछाया पड़ता है, अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं, अज्ञान के अंधेरे में खुद आ जाने के कारण उन्हें सूर्य विकारी दिखाई पड़ता है। अज्ञान के अंधेरे में दिखाई पड़ता है, सूर्य में अज्ञान का अंधेरा नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। अभी कहते हैं इस महीने में दुनिया का बड़े से बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और ये बात मालूम पड़ी बाबा ज्ञान में आने के बाद में, कि जो कृष्ण है तो उसको शादी ना होते तो बच्ची के साथ में छोटा सा वो लंगड़ा वाला कृष्ण देते हैं, तो वो बच्चा है करके देते हैं ना, सत्यु का बच्चा है करके देते हैं ना, सत्यु का बच्चा लंगड़ा होता है? नहीं नहीं लंगड़ा नहीं होता बाबा, लेकिन छोटा तो होता है ना, वो संगमयुगी कृष्ण है या सत्युगी कृष्ण है? शादियों में, ब्याह में या जितने भी अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों में जो परंपराएं निभाई जाती हैं वो सतयुग की परंपराएं हैं या संगम युग की परंपराएं हैं? संगम युग की परंपराएं हैं। संगम युग में लंगड़ा कृष्ण है, माने कृष्ण वाली आत्मा पूरा ज्ञानी नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा के चलने वाली है, पुरुषार्थ में तीखी दौड़ दौड़ने वाली नहीं है।